हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्चनास फूड फन एंड विस्पर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू दम। वैसे तो आलू का दम बनाने का कई तरीका है, तो आज जो मैं बनाऊंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर का होगा। खट्टा तीखा स्वाद का ये आलू दम खाने में लुच्ची, पूरी, पराठा या पुलाव के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आलू दम के लिए मैं छोटा आलू ले ली हूँ, लगभग 1 किलो। नमक के साथ आलू को बॉईल करके मैं उसका छिलका हटा के अलग रख लूंगी। प्याज को मैं फाइन चॉप कर लूं। हरा मिर्चा और टमाटर को भी मैं चॉप कर लूं। एक कटोरी में मैं हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ले लूंगी। उसमें पानी मिला के मैं एक थिक पेस्ट बना लूंगी। पैन में सरसों का तेल गरम कर लूंगी। उसमें छीला हुआ बॉइल्ड आलू डाल के हल्का सा नमक देके मैं सौते कर लूंगी। आलू को बाहर निकाल लेने के बाद उसी तेल में मैं सरसों या राई, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता का छौंका लगा दूंगी। अब उसमें मैं चॉप्ड अनियन ऐड करूंगी और उसमें थोड़ा सा नमक देके मैं अच्छे से उसको फ्राई करूंगी। प्याज अब ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और चॉप टमाटर और ग्रीन चिली ऐड करूंगी। टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए मैं फिर से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। साथ में ऐड करूंगी पहले से बना हुआ मसाला पेस्ट।
थोड़ी देर भूनने के बाद मैं मसालों को पकने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें फेटा हुआ दही ऐड करूंगी। दही को मिला लेने के बाद मैं दोबारा ढक के कुछ देर के लिए धीमे आंच में पका लूंगी। रेसिपी अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और वो जो टिंगिंग वाला बेल बटन है ना, उसको भी ऑल कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और रेसिपी के बारे में जानना हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी शेयर करूंगी। मसाला अब अच्छे से पक गया है और दही में से तेल भी निकल आया है। अब मैं इसमें पहले से सौते किया हुआ आलू डाल दूंगी। सारी चीजों को एक साथ मिला लेने के बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूंगी। मेरा डिश अब रेडी हो गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला मिला के मेरे डिश को फिनिश करूंगी। फाइनली गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप करके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूं। तो लीजिए, तैयार हो गया है थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर वाला खट्टा तीखा स्वाद वाला आलू दम।